हेलो एवरीवन, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 40 साल के धोनी ने शनिवार शाम इंस्टाग्राम पर मैं पल दो पल का शायर हूँ गाने के साथ एक वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, आप लोगों की तरह से हमेशा मिले प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। आज शाम 7:29 के बाद एमएस धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। हजारीबाग के बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की कार शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विधायक हजारीबाग से रामगढ़ के पतरादू ध्वजारोहण के लिए जा रही थी। इसी दौरान विधायक की फॉर्चूनर कार के आगे चल रही स्कॉर्पियो के सामने अचानक जानवर आने से चालक ने ब्रेक लगा दिया, जिससे विधायक की गाड़ी पीछे से टकरा गई। विधायक पूरी तरह सुरक्षित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, राज्य में एसटी एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा। निजी कंपनियों को भी 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना होगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में झंडा तोलन किया। इस मौके पर वीर शहीदों को नमन कर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं बहुसंख्यक झारखंड वासियों की भावना के अनुरूप स्थानीयता को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 75% पद आरक्षित करने के लिए नियम बनाने का काम सरकार कर रही है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। खुफिया एजेंसी आईएसआई म्यांमार में भी आतंकवादी समूहों को ट्रेनिंग दे रही है। यहां पर भी इसका मकसद सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर देश को अस्थिर करना है। जर्मन समाचार एजेंसी DW की रिपोर्ट में साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के एनालिस्ट सिंगरफ्रीड ओ वुल्क ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आईएसआई जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के जरिए 40 रोहिंग्यों को ट्रेनिंग देने में जुड़ी है। JMB ने 2016 में ढाका के एक कॉफ़ी शॉप में हमला कर 22 लोगों को हत्या कर दी थी। इसमें ज़्यादातर विदेशी थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को किसी तीसरे देश के जरिए सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इससे यह फैक्ट और पक्का हो जाता है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में शनिवार की सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश के बंद होते ही कई हिस्सों में धूप भी खिल आ रही है। फिर कुछ देर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो जा रहा है। इधर झारखंड के पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और दक्षिण पूर्व के हिस्से पश्चिमी शिवशंभू, पूर्वी सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां के कुछ जगहों पर भी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
इस दौरान वज्रपात के भी असर बने हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट में 16 और 17 अगस्त को भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 17 अगस्त को झारखंड के मध्य और उत्तरी हिस्से संथाल परगना में एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त तक पूरे झारखंड में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है।